हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारी कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल विथ प्रोग्राम एग्जाम्पल के साथ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला हमारा व्हाट इज लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट होता क्या है? लूप स्टेटमेंट इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अनटिल द गिवन कंडीशन। ठीक है, लूप इज अ रिपीट ऑफ ब्लॉक कोड। लूप जो है एक ब्लॉक के कोड को रिपीट करने के लिए किया जाता है जो कंडीशन दी रहती है उसके हिसाब से। चलिए इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ इसका लूप, इसके बाद जो इसके पार्ट हैं इसके, इन लोगों का सिंटैक्स हम देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ लूप, देयर आर थ्री टाइप्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है, पहले देख लेते हैं व्हाइल लूप क्या होता है, फिर इसके बाद फॉर लूप, फिर डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज आल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल्ड लूप। वे इंट्री कंट्रोल्ड लूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम में इंटर करते पहले कंडीशन को चेक करता है, तब उसके बाद प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट करता है। द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड कंटिन्यूअसली अंटिल अ गिवन कंडीशन इज नो लॉन्गर सेटिस्फाइड। ठीक है, इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। व्हाइल पहले कंडीशन चेक कर रहा है, इसलिए इंट्री कंट्रोल्ड लूप है। देन ब्रेस इसका स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ यहाँ पर आपका रहेगा। देन इसके बाद एग्जांपल प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर, 1 to 10 नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का यूज करके 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है। हमने यहाँ पर प्रोग्राम को लिख दिया पब्लिक क्लास 1 to 10 नंबर, इसका 1 to 10 नंबर है, इसका क्लास है, क्लास नेम है इसका, और इसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन जो है इसका, और इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया इंट, जिसका एक डेटा टाइप है इंट, जिसका वेरिएबल आई है, जिसमें वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट किया, वैल्यू आई की वैल्यू 1 है। देन कंडीशन हमें क्या कह रही है कि आई इज लेस देन इक्वल 10। ठीक है, यदि कंडीशन ट्रू है, देखिए 1 इज ग्रेटर इक्वल 10, कंडीशन ट्रू रहेगी तो यहाँ पर आई को प्रिंट करेगा, यानी आई को प्रिंट कर दिया 1। देन आई प्लस प्लस यानी फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर इसका प्लस प्लस है तो फिर 3 करेगा, इसी तरह 10 के इक्वल जब हो जाएगा तो हमारा ये 1 2 3 4 10 तक प्रिंट कर देगा इस तरह से। ठीक, इस तरह से हमें नंबर, अगर यदि इसी नंबर को आप इस तरह चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्रिंट ln करके लगा है, पर जो ln करके लगा है केवल यहाँ पर प्रिंट आपको कर रहने देंगे तो हमारा एक सीधी लाइन में प्रिंट होगा। देन इसके बाद फॉर लूप क्या होता है, अनलाइक व्हाइल लूप फॉर लूप परफॉर्म ऑल ऑपरेशन इज सिंगल है। जो सब काम हमने व्हाइल लूप में किया वही सब हम फॉर लूप में भी करते हैं, जिसमें इसका सारा काम एक लाइन में केवल रहता है। चलिए इसके सिंटैक्स को देखने और समझने कोशिश करते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन सेमी कॉलन कंडीशन, फिर सेमी कॉलन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर ब्रेस लगा के इसके ब्लॉक का कोड हम लिख देते हैं। ये इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइज करना, फिर कंडीशन देते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर इसके ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करता है। एक प्रोग्राम प्रिंट करके हम देख लेते हैं, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to a नंबर, 10 to 1 यानी 10 9 8 7 इस तरह से उल्टा। हमने प्रोग्राम को यहाँ पर लिख दिया है सिंपली
पब्लिक क्लास 1 to 10 नंबर एक क्लास नेम है, इसका मेन फंक्शन बना ये ब्रेस है। हमने यहाँ पर इंट आई ले लिया है एक वेरिएबल जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं i इक्वल टू टेन रहेगा। तो यहाँ पर i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो i माइनस माइनस होगा, इसको प्रिंट कर देगा यानी 10 को प्रिंट करेगा। माइनस माइनस हो रहा है तो यहाँ पर 9 को देखेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर 9 को प्रिंट करेगा, फिर 8 को, तो इसी तरह आगे प्रोसेस करेगा। जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो कोड हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, जिसका आउटपुट हमें इस तरह से दिखाई देगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, देख लेते हैं डू व्हाइल लूप क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसका सिंटैक्स वगैरह से। इट इज आल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज इट टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ लूप बॉडी। जो लूप की बॉडी बनी रहती है, उस लूप की बॉडी जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर एक कंडीशन चेक करता है, इसलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका है डू लगाएंगे, फिर ब्रेस स्टेटमेंट यानी इसका जो कोड रहेगा उसके कोड को लिखेंगे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपना जो करना रहेगा करेंगे, सेमीकॉलन, ब्रेस, फिर उसके बाद वाइल लगाकर फिर कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद सेमीकॉलन लिखते हैं अपना। ठीक है, एक प्रोग्राम प्रिंट कर रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 51 to 60 नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप के यूज से 51 से 60 तक के नंबर को प्रिंट करेंगे, जिसमें हमने प्रोग्राम को लिख लिया है यहाँ पे पब्लिक क्लास 1 to 10 नंबर, पब्लिक क्लास स्टैटिक मेन ARGS। ठीक, हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट आई नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें हम वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं 51, क्योंकि हमारा कोड जो 51 से 60 जा रहा है, इसलिए हमने 51 से इसको स्टार्ट कर दिया है और इसको प्रिंट कर दिया प्लस प्लस करके। इसका जो कंडीशन दे दिया आई इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 16 यानी यह 16 तक जाएगा, 51 से 60 तक प्रिंट करेगा वैल्यू को, जिसका रिजल्ट हमें आउटपुट यानी ये मिलेगा 51 52 53 इसी तरह 16 तक। ठीक है, आज का असाइनमेंट जो है व्हाई नीड टू लूप स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट की नीड क्यों पड़ी, राइट ए प्रोग्राम टू 0 to -10 नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप, माइनस में ले जानी है वैल्यू को, व्हाट इज एग्जिट कंट्रोल लूप, व्हाट इज एंट्री कंट्रोल लूप, राइट सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। ठीक है, इसी तरह की कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपका कोई भी डाउट क्लियर ना हुआ हो तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।